नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्त। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन में बहस देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर तंज कसने के लिए शायर बन गए। साथ ही उन्होंने विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए बिहार का भी जिक्र किया और तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना बड़ा हमला कर दिया। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को शायराना अंदाज में नेता विरोधी दल पर तंज कसा। सदन में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए उन्होंने बिहार का भी जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नेता विरोधी दल लीक से हटकर बोलने के आदि हो चुके हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने बिहार का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये बीमारी केवल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है वही बीमारी यहाँ भी देखने को मिल रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी ने शायराना अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के शायराना अंदाज में तंज पर सदन ठहाकों से गूंज उठा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने नारी वंदन का जिक्र कर लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना पर भी सदन में बात रखी। उन्होंने दो टुक कहा कि एक समय आएगा जब बीजेपी के लोग भी जातीय जनगणना की मांग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी के संबोधन में बिहार का जिक्र तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ लोगों से घंटी बजवाते हैं, नौकरी नहीं मिलने पर लोगों को बिहार आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा था कि घंटी बजाने से नौकरी नहीं मिलने वाली है, मंदिर मस्जिद करने से पेट नहीं भरता। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को पूजा पाठ पर दिखावे से बचने की भी नसीहत दी थी, तो अब सीएम योगी ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही उन पर जोरदार हमला कर दिया है। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान जातिगत जनगणना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जमकर घेरा। साथ ही साथ सपा प्रमुख के बहाने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना बड़ा हमला कर दिया है। ऐसे में सीएम के हमले पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा, हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।